हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में। हम लोग का टॉपिक था जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है जो हम लोग का है वो यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है। अब आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में बहुत अलग अलग तरीके से कई सारी चीजों को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। विंडोज 10 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज सिंपल, इजी टू यूज एंड बेटर देन द ओल्डर विंडोज ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से विंडोज 10 भी हम लोग का एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जिसमें हम लोग का क्या होता है कि विच इज सिंपल, इजी टू यूज एंड बेटर देन ओल्डर विंडोज ओएस, जो कि काफी आसान भी होता है, यूज करने में भी आसान होता है, सिंपल भी होता है, और एज कंपैरिजन टू ओल्डर विंडोज ये काफी इजी होता है यूज करना या उससे बेटर भी होता है। विंडोज यूआई इज मच मोर इम्प्रूव्ड एंड कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ विंडोज 7 एंड 8 ओएस। अब ये जो विंडोज यूआई है, यूआई का मतलब होता है, यूआई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। ये ऐसा विंडोज है जो कि यूजर इंटरफेस, इट मींस जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि यहाँ पे जो भी हम काम करने वाले हैं वो एक ग्राफ के फॉर्म में जो चीजें हमें दिखती हैं हम उस पर क्लिक करके किसी भी वर्क को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग के पहले विंडोज 7 थे, 8 थे, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 9, ये सबको कंबाइन करके एक बेटर ओएस बनाया गया है जिसको हम लोग विंडोज 10 के नाम से जानते हैं, या फिर इस समय लेटेस्ट में हम लोग का विंडोज 11 भी चल रहा है। तो वो भी यूजर फ्रेंडली है, वो भी काफी आसान है, क्योंकि अपडेट होके आने का मतलब वहां पे कुछ चीजें इंप्रूव हुई होती हैं। इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड हैज इजी टू लर्न न्यू फीचर्स। ये क्या होता है, ये काफी यूजर फ्रेंडली है और इसके नए नए फीचर्स को यूज करना भी काफी आसान है। इट इज मेनली डिजाइन फॉर टच एज वेल एज नॉन टच डिवाइस। ये दोनों तरीके डिजाइन किया गया है, आप टच वाले डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं या फिर जो नॉन टच डिवाइसेस है उनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉक स्क्रीन विथ लॉगिन। अब जब हम किसी सिस्टम को ऑन करते हैं तो वहां पे जो सबसे पहला लोड होने वाला प्रोग्राम होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं। अब जैसे ही वो सिस्टम ऑन होता है तो आपके आपका जो सबसे पहला स्क्रीन होता है वहां पे आपको लॉक लगा होता है, लॉक स्क्रीन विद लॉग इन। वेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप पावर बटन, जब आप पावर बटन से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं, आफ्टर द बूटिंग जो ऑन होने का प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है यू कैन सी द फर्स्ट यूजर इंटरफेस ऑफ विंडोज 10। वहां पे आप, ये विंडोज 10 की बात की जा रही है, जो सबसे पहला यूजर इंटरफेस होता है वहां पे आपको लॉक स्क्रीन का ही विंडोज लॉक स्क्रीन का ही स्क्रीन दिखता है। द बॉटम लेफ्ट पोर्शन शोज द डेट इंफॉर्मेशन, आपका जो बॉटम में लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है वो शो करता है आपके डेट की इंफॉर्मेशन, एंड बॉटम राइट शोज द कनेक्ट टू इंटरनेट एंड बैटरी लाइफ, और राइट साइड का जो आपका ऑप्शन रहता है बॉटम पे वो शो करता है आपका इंटरनेट, बैटरी लाइफ या फिर वाईफाई या फिर और भी सेटिंग जो आप करते हैं वो सारी चीजें वहां पे शो होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप एरिया इज वेयर योर डेस्कटॉप आइकन सच एज प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस आइकन अपीयर। डेस्कटॉप एरिया वो एरिया होता है जहां पे आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे आइकन या प्रोग्राम या एप्लीकेशन अपीयर होते हैं, रखे गए होते हैं, शो करते हैं। हियर यू कैन ओपन द प्रोग्राम एंड फोल्डर्स बाय डबल क्लिकिंग ऑन देयर आइकन। यहाँ पे आप किसी भी फोल्डर को या किसी भी प्रोग्राम को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे और वहां पे समझ लेते हैं इन सारी चीजों को। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक डेस्कटॉप का आइकन है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे जहां पे आपके, जैसे आपका दिस पीसी लिखा है, ये जो आपको विंडोज दिख रहा है ये विंडोज 11 है। तो विंडोज 10 और 11 में कुछ चीजें आपको डिफरेंस
मिल जाएंगे। जैसे आपको विंडोज 11 में क्या है, ये जो आपका टास्क बार वाला यहाँ पे आपको जो आइकन दिख रहे हैं वो आपके सेंटर पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम इन सब चीजों की, तो ये सब फोल्डर है, आइकन है, और इसी के अंदर हम लोग अलग अलग फाइल रखते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा डेट का ऑप्शन, बैटरी लाइफ है, माइक या साउंड है, लैंग्वेज है आपका, उसके बाद आप इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह भी यहाँ पे कई सारी चीजें शो करती हैं। अब बात करते हैं हम लोग का यहाँ पे ये जो टास्क व्यू है, यहाँ पे जो नीचे ये वाला एरिया दिख रहा है इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको आइकन या फोल्डर दिख रहे हैं आप इनको मैनुअली पिन कर सकते हो। इट मीन्स जो चीजें हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं उनको क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपका स्मार्टफोन हो गया, उसको फोन के होम स्क्रीन पे रख लेते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, कभी भी काम में आ सकता है, उसको यहाँ पे पिन कर लेते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे भी उस फोल्डर को रख सकते हैं, यहाँ पे जो जिन चीजों को रखे यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रखने पर क्या होता है, आपको उसी फोल्डर उसी फाइल को ओपन करने के लिए या तो आप राइट क्लिक करके ओपन करते हैं या फिर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं। लेकिन वो फाइल वो एप्लीकेशन अगर यहाँ पे रखे हैं तो आपको एक बार क्लिक करने पे वो फोल्डर ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप अगर राइट क्लिक करते हैं किसी भी लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में, तो आपको कुछ ये वाली स्क्रीन दिखती है जहां पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्यू का। तो आप यहाँ पे उन आइकन की साइज को स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, या फिर ऑटो अरेंज आइकन। कभी कभी क्या होता है कि बीच में स्पेस खाली रहता है, तो आप अगर उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस ब्लैंक एरिया में वो आइकन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सॉर्ट वाइज, तो आपके जो आइकन आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं, नेम वाइज कर सकते हैं, साइज वाइज कर सकते हैं, आइटम वाइज कर सकते हैं, या फिर डेट मॉडिफाइड, जो पहले का होगा वो पहले आएगा, जो बाद का होगा वो बाद में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप राइट क्लिक करके अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर रहे होते हैं, उसके बाद आप इसके डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए गलती से आपने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ चेंजिंग किया है, तो आप वहां पे अनडू भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जेड भी करने पे हो सकता है। नेक्स्ट है न्यू का ऑप्शन, जैसे ही न्यू के ऑप्शन पे जाते हैं आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है आपका, आप एक फोल्डर बना सकते हैं, किसी भी आइकन या फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर है आप उन पे उनकी किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है डिस्प्ले सेटिंग, तो जैसे ही डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आप इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, नाइट लाइट कर सकते हैं, SDR, या फिर अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करते हैं फोल्डर को, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही फोल्डर क्रिएट करते हैं आपको यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम इमेजेस लिख देते हैं, यहाँ पे हमें इमेज लिखना है तो हम इमेज नाम का फोल्डर बना सकते हैं। अब इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके भी डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको क्लिक करके जो आपके कीबोर्ड में डिलीट की होती है वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस फोल्डर को कट कर सकते हैं, इस फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, वापस इस फोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं, और फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट है आप इस फोल्डर की प्रॉपर्टी को देख सकते हो कि इस फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें का मतलब कितनी बड़ी फाइल है, कब क्रिएट किया गया था, कुछ ऑप्शन को आप देख सकते हो। अब हम इस फोल्डर को करते हैं डिलीट। अब मान लीजिए फोल्डर डिलीट हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपको एक और अलग से ऑप्शन मिलता है जहां पे आपका ये डिलीटेड फाइल जाता है, तो वो ऑप्शन है आपका रिसाइकल बिन का। उस ऑप्शन को हम लोग रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं, तो वहां पे हम रिसाइकल बिन में जाके इसको वापस से रिकवर कर सकते हैं। इट मीन्स रिस्टोर करने के बाद वो फिर से अपनी उसी उस पोजीशन पे आ जाएगा, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान ही चुके हैं कि कितनी बड़ी फाइल है, कब क्रिएट हुआ था, ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आप इस सिस्टम को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज का मतलब यहाँ पे आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं,
इसके थीम को चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन पे इमेज वगैरह लगा सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे पर्सनलाइज्ड डिस्प्ले सेटिंग ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग को ये जो फोल्डर है, ये जो आइकन है, इसको हम लोग इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप पहचानेंगे कि वो एक शॉर्टकट है या कैसे किसी शॉर्टकट को क्रिएट करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको नॉर्मली जाना है स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे ऑल ऐप पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए हमको इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है किसी का भी, आप नॉर्मली क्लिक करिए और ड्रैग कर लीजिए, वो आपका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे कि वो शॉर्टकट है, तो आपको ये जो एरो सिंबल मिल रहा है इसी से हम पहचानते हैं कि वो शॉर्टकट है किसी भी चीज का। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, अब मान लीजिए कोई डेट एंड टाइम को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में जाके इस डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट डेट एंड टाइम में जैसे ही जाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट वहां पे पहुंचा देगा जहां से आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसको जब ऑफ करेंगे तो फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम को आपको मैनुअली चेंज करने का ऑप्शन देगा, या फिर ये ऑटोमेटिकली रहता है तो ऑटोमेटिक सेट रहता है, तो यहां से जाके आप डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप किसी शॉर्टकट को भी रीनेम कर सकते हो, किसी शॉर्टकट को डिलीट भी कर सकते हो, किसी ऐप को आपने ओपन किया है तो कैसे क्लोज करना है, या फिर कोई ऐप है ओपन है तो हम कैसे पता करें कि वो ओपन है, तो आपको यहाँ पे टास्क बार में टास्क व्यू में दिख जाता है, जैसा कि अभी हमारा ओबीएस चल रहा है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या है, ओपन है यानी स्टार्ट है। अब मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है, तो फोन में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रेस किए रहते हैं तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है अनइंस्टॉल का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, कंट्रोल पैनल में। तो हम जाते हैं आपसे कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स का, या फिर विंडोज 10, 7, 8 में उसमें प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर को जाके राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात थी आपकी किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का। अब कोई भी फाइल हो या कोई भी फोल्डर हो, उसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग इस बारे में डिस्कस किए हैं कि आपकी जो फाइल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन फोल्डर अलग अलग टाइप के नहीं होते, बस फोल्डर के नाम अलग अलग होते हैं। हम किसी भी फोल्डर को किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फाइल का जो फॉर्मेट होता है, फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, या फिर कैसे जानेंगे कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी फाइल पे जाके राइट क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं। जैसे अगर हमको पता करना हो कि इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .jpeg होता है या .jpg होता है। बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc या .docx होता है। तो आप वहां से जाके उसके प्रॉपर्टीज में जाके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं कि उस फाइल का फॉर्मेट क्या है। किसी फोल्डर को मूव करना हुआ, किसी आइकन को मूव करना हुआ, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके ड्रैग जैसे ही करेंगे वो फाइल आइकन मूव करेगा। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना है, तो आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपके यहाँ पे जो डिस पीसी का आइकन है, इट मीन माई कंप्यूटर का जो ऑप्शन है आइकन रिसाइकल बिन का है, ये डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ के फोल्डर को या फिर आपके ये जो सिस्टम का जो आइकन है वो रिमूव हो गया, तो कैसे आप वापस से उसको लाएंगे। यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद देन आपको थीम्स में चले जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे उसके बाद आपको वो आइकन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
तो दोस्तों किसी रीजन से नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप ये जो जो आपके ऑप्शन टिक हुए हैं ओपन हैं, आप इनको अनटिक करेंगे तो वहां से वो रिमूव हो जाएंगे, आप टिक कर देंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कंट्रोल पैनल और नेटवर्क को ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं अप्लाई करके ओके करूंगा ये वहां पे ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क और कंट्रोल पैनल का आइकन जो है वो आ चुका है। अब आपको डिलीट करना है तो आप इजिली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माउस पॉइंटर की, तो माउस पॉइंटर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फिर से आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे माउस कर्सर का, यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग टाइप के माउस का कर्सर दिख रहा है। तो आप किसी को भी चूज करके आप इसके कर्सर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं करूंगा ओके, आप देख सकते हैं इस माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों किसी रीजन से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे उसके कर्सर को चेंज करेंगे वो तुरंत क्या होगा, यहाँ पे जितने टाइप के दिख रहे हैं आपका वो उसी टाइप का हो जाएगा। उसके बाद आप इसके बटन्स को भी चेंज कर सकते हो, इट मीन्स लेफ्ट को राइट कर सकते हो, राइट को लेफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही करोगे वो तुरंत क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेफ्ट वाला राइट क्लिक वाला वर्क करेगा, राइट क्लिक वाला लेफ्ट क्लिक का वर्क करेगा। तो क्लिक करके जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे आपका ये ऑप्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का एंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट वाली क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है हम लोग की एमएस ऑफिस की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो वहां पे सारा कुछ हम लोग का प्रैक्टिकली होने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूले, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद।